लास्ट क्वेश्चन हम ये किए थे, हमें 2 पॉइंट दिया था ना, उसका निकाले थे। तो आज सीखेंगे हम अच्छा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3 पॉइंट्स वाला बता दिया था ना, 3 पॉइंट्स वाला बताया हो कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ उसका उसका वेक्टर फॉर्म भी है। वाह, वेक्टर में भी आप उसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको वेक्टर ना बता के ठीक होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, ये तो बोलेंगे नहीं पढ़ाया था, तो बता दे रहा हूँ वेक्टर फॉर्म। लेकिन मैं बोलूंगा आपको कि वही आप उससे करें, जैसे बोलिए। हाँ ठीक कार्टेशियन वाले से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स पढ़ते हैं डायरेक्ट। हेडिंग दीजिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, ये एंगल बिटवीन एंगल्स बिटवीन टू जाओगे तो बता देना। एक मिनट, चल देखो, ठीक स्टार्ट करने के टाइम इसका सारा नाटक हो जाता है। क्यों होता है ऐसे पता नहीं। हेलो हेलो, आ रहा है। चलो ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन, मैं जब लाइन का भी बताया था एंगल, तब मैं आपको बताया था कि एंगल आपको किसके बीच में निकालना है, उनके डायरेक्शंस के बीच में। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि हमें एंगल डायरेक्शन का चाहिए। तो प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर इक्वल्स टू डी। तो हमारे पास दो प्लेन है, तो एक D1 ले जा रहा हूँ और एक D2 ले जा रहा हूँ। आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल्स टू D2। ये मान लीजिए आपका दो प्लेन का जनरल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। तो उसका उसका एंगल किसमें मिलेगा, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ N2 वेक्टर। लिख दीजिए फटाफट, दीजिए फिर नंबर कराता हूँ। कार्टिसन का लिखने का दरकार नहीं, अगर कार्टिसन में आएगा तो उसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करके ही कीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन बिटवीन द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 6
एंड आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप इक्वल्स टू फाइव सॉल्यूशन। तो एन वन वेक्टर कौन सा का बताइए, एन वन वेक्टर क्या होगा इसमें, तो आपका एन वन वेक्टर हो जाएगा, तो एन वन वेक्टर हो जाएगा आपका टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एन टू वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। तो चलिए साथ में निकाल लेते हैं, एंगल क्या होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर बाय लाइन का क्या था, कौन बता पाएगा लाइन का एंगल क्या होता था, किसको याद है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या था भाई, किसको याद नहीं, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर टू, बस बस वहां बी था यहाँ पे एन, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एन वन वेक्टर मतलब टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। निकालो मैं क्या करूंगा, निकालो इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है ना, बाय रूट ओवर आधा, सो तुम्हारा फॉर्म फिलअप कर लो, हाँ हाँ फॉर्म फिलअप कर लो, बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। बाय रूट ओवर ऑफ क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं टू इंटू आई टू माइनस जे मतलब माइनस वन प्लस टू, देखना कहीं गलती होगा तो बताना, रूट ओवर टू का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव प्लस वन रूट सिक्स क्या, रूट सिक्स इंटू रूट ओवर ऑफ वन वन सिक्स, तो थ्री बाय सिक्स या वन बाय टू, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाय टू मिल गया, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल गया कॉस इनवर्स वन बाय टू, कॉस का कौन सा वैल्यू वन बाय टू है भाई, ठीक है ना लिख लीजिए। नेक्स्ट निकालो, ये लिख लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, हाँ अनुष्का गुड इवनिंग, अरे ये फॉर्म भर लिया अनुष्का, हाँ 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 टाइम है वही मैं बोला कि निकल गया तो मैं बोला बता दे, हाँ 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 ठीक 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 हाँ ठीक हाँ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं कार्टेशियन में दे रहा हूँ, उसे वेक्टर में चेंज कर लेना, हाँ हेलो सुन रहा भाई, सुन रहा है यस सर, ओके ओके क्वेश्चन है वही एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दैट कार्टेशियन दे रहा हूँ, टू एक्स माइनस वाई माइनस टू के, टू के नहीं होगा एक्स वाई जेड, टू जेड इक्वल्स टू फाइव, दूसरा थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फोर, चलो इसका एंगल निकाल के बताओ, आपका क्या
कितना बोले भाई? जीरो। जीरो, बढ़िया। जीरो मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, तो एंगल कितना हुआ? सबका आया तो एक मिनट। चलिए ठीक है, हेडिंग दीजिए। अब से गुल्लाव स्टार्ट हुआ। हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अरे यार, थ्रू टू पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन। ये आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा तब समझ पाएंगे, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा। पहले चीज समझ लीजिए क्या है। आपको उस प्लेन का इक्वेशन निकालना जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। पहले हेडिंग दे दीजिए, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास हमको ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ये प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है? मान लो ये प्लेन है फाइव, फाइव प्लेन का इक्वेशन हमें निकालना है। पूरा ध्यान से समझो। हाँ, और सपोज ये प्लेन हमें गिवन है, ये प्लेन एक है, ये प्लेन हमें गिवन है, ठीक है? ये हमें गिवन है प्लेन। चलिए, ये हमारा गिवन प्लेन है। सपोज ये प्लेन हमारा गिवन है। क्या बोला है? देखिए, ये पाई प्लेन का निकालना है और ये गिवन प्लेन है। सपोज इसका प्लेन है अनइवन, अनइवन प्लेन हमें गिवन है और पाई प्लेन हमें निकालना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि पाई प्लेन का इक्वेशन निकाल लो। ये पाई प्लेन है, ये पाई प्लेन का इक्वेशन निकाल लो जो कि परपेंडिकुलर है किसके साथ? अनइवन के साथ। ये अनइवन है, देख पा रहे हो क्या? दिखाई दे रहा है? इसका इक्वेशन निकालना है, पाई प्लेन का इक्वेशन निकालना है किसके साथ? ये प्लेन परपेंडिकुलर है अनिर्बन के साथ। बात समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हेलो, चलिए अब देखो ध्यान से, पूरा पूरा ध्यान दो तब समझ पाओगे। मैं पहले से बोल रहा हूँ। अब एक प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? दो चीज अगर हमको मिल जाता है तो हम निकाल पाएंगे। क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए भाई हमें एन वेक्टर, और दूसरा एक पोजिशन ए वेक्टर। ये अगर दोनों मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे ना। आर वेक्टर माइनस एन वेक्टर था ना, डॉट ए वेक्टर, ये था ना कि उल्टा लिख दिया, R माइनस ए, सॉरी R माइनस ए डॉट एन,
इक्वल टू जीरो करने से ही हमको मिल जाता, तो ए और एन मिल जाएगा तो हो जाएगा अपना काम। तो हमें बोला है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, मतलब हमें दो पॉइंट तो दे दिया, ये पाई प्लेन का हमें दो पॉइंट दे दिया, पाई प्लेन का हमें दो पॉइंट दे दिया, दो पॉइंट दे दिया, मान लो ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट हो गया क्यू, ये दो पॉइंट हमें गिवन है। ये दो पॉइंट किसके ऊपर है भाई, पी और क्यू किसके ऊपर है, पाई के ऊपर है, जिसका प्लेन जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। और अनिर्बन नाम का प्लेन हमें गिवन है, अनिर्बन नाम का प्लेन हमें गिवन है, मतलब क्या है कि अनिर्बन के साथ ये प्लेन दोनों परपेंडिकुलर है, और अनिर्बन प्लेन गिवन है मतलब उसका इक्वेशन हमें गिवन है। इसका इक्वेशन मान लेते हैं आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल्स टू डी वन, ये हमें गिवन है भाई, ये हमें गिवन है। चलिए तो हमें चाहिए था ए वेक्टर और एन वेक्टर, ए वेक्टर तो हमें मिल गया, किसी भी एक पॉइंट पे ए ले लेंगे हो जाएगा। बात समझ रहे मेरा, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? हेलो, ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब क्या होता था, ए वेक्टर मतलब क्या होता था भाई, उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट, जो प्लेन का तुम इक्वेशन निकालो उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट। हमें किस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, दिमाग लगा के बोलो, का पाई का निकालना, पाई का, पाई का, पाई का निकालना, और पाई के ऊपर कितना पॉइंट है, दो पॉइंट है, पी और क्यू, उसमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले जाएंगे तो चलेगा ना, वो तो हमें ए वेक्टर मिल जाएगा। हेलो, लेकिन ए वेक्टर मिल गया, बचा क्या, क्या नहीं मिला हमको, एन वेक्टर नहीं मिला। तो एन वेक्टर नहीं मिला, एन वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, जो पाई प्लेन हमें गिवन है, ये पाई प्लेन जो गिवन है, ये सॉरी जो अनिर्बन प्लेन हमें गिवन है, इसका एन वन वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक लिख रहा हूँ, ये एन वन वेक्टर होगा कि नहीं, ठीक बोल रहा हूँ, ये एन वन वेक्टर है कि नहीं। हेलो, दो पॉइंट पता था तो हम पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं, पी क्यू वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें ऐसा वेक्टर चाहिए, अच्छा पी क्यू का डायरेक्शन, पी क्यू का ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए कैसा, अगर पी क्यू को मैं क्रॉस करवा दूं, तो क्या मुझे n वेक्टर मिल जाएगा, जो कि n1 वेक्टर क्रॉस pq वेक्टर करने से मिलेगा। देखो याद रखो, हम जब दो वेक्टर्स का क्रॉस करते थे तो हमें क्या मिलता था, हेलो, परपेंडिकुलर निकलता तो pq वेक्टर तो इधर था, pq वेक्टर इधर था, pq वेक्टर का क्रॉस किया n1 वेक्टर के साथ, तो उनके साथ परपेंडिकुलर वाला वेक्टर मिला कि नहीं। बात समझो, डायग्राम में समझाना पड़ेगा, पी क्यू वेक्टर यहाँ था, इस पे था, और इस पे एन वन वेक्टर था, ऐसा करके दोनों को क्रॉस किए तो आपको क्या मिला, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिला। बात समझ रहे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पी क्यू जो था वो पाई प्लेन पे था, पी क्यू वेक्टर निकाल लिया हम, पी क्यू का क्रॉस किए एन वन वेक्टर के साथ, तो जब हम क्रॉस करते हैं तो हमको परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा जो होगा एन वेक्टर। चलिए एक नंबर करते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है, देखिए एक नंबर देखिए, ये घर घूर लिए क्या, जो जो डायग्राम बनाया था थोड़ा बहुत घींचा घुची क्या था, कर लिए, नहीं हुआ सर थोड़ा, हाँ हाँ बना बना बना। हो गया सर, हो गया ना, अब से थोड़ा पता चलेगा तुमको प्लेन क्या है, पूरा गुंधला देगा, अब तक इसको समझ में आ रहा है।
वो भी अब गुन लाएगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो उनका तो ऑल द बेस्ट। कोचिंग जब भी खुल जाएगा मैं प्लेन फिर से पढ़ाऊंगा। हाँ खाली प्लेन लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, शो द पॉइंट। खुलेगा कितना से? इस समय 15 से हमारा केमिस्ट्री खुल रहा है। कौन बोला? क्या मैम बोल रहे थे कि शुरू करेंगे? कोचिंग हाँ ऐसे कैसे शुरू कर देंगे? स्कूल भी तो खुल रहा है ना सर। नहीं स्कूल खुल रहा है, 50% पूरा कट रहे हैं। स्कूल नहीं खुलेगा, सिलेबस भी ऑलरेडी उस हो रहा है। देखें क्या होता है, खुल जाए तो ज्यादा अच्छा। मेरा भाई पढ़ता है केवी में, उसको नोटिस आया है। क्या है, क्या है नोटिस? आया है कि 1 तारीख से स्कूल खुल रहा है और सबको आना है कंपलसरी है बे। और बोला है कि हाँ, और लिखा है कि जो जो मतलब कुछ भी होगा तो वो पेरेंट्स पे है, ऐसा आया है। अच्छा अच्छा कुछ भी हो तो पेरेंट्स के ऊपर, और नोटिस होगा तो भेजना। हाँ। तो भाई हाँ सर देखो, ठीक ठीक होगा तो भेजना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए हमारे हमको जो प्लेन निकालना है वो प्लेन में दो पॉइंट है भाई। कौन कौन सा पॉइंट है बना लेते हैं पॉइंट। इस प्लेन में दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है पी, हो गया भाई एक पॉइंट है, मान लो पी, पी पॉइंट है 2, 1, -1, और दूसरा पॉइंट है क्यू, -1, 3, 4। सबसे पहले इस प्लेन का काम खत्म कर लेते हैं। क्या करेंगे लिखो, द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन पास कंटेंस टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो दोनों का पोजिशन फैक्टर निकाल लो, पी और का और क्यू का निकाल लो। द रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना हमें, द रिक्वायर्ड प्लेन कंटेंस टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी ऑफ 2, 1, -1 एंड क्यू ऑफ -1, 3, 4। तो पोजिशन वेक्टर लिखते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो जाएगा भाई? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 k कैप। नाउ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी क्यू या पी क्यू वेक्टर लिखते तो भी चलता, क्या लिखेंगे? पी क्यू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, कर दो माइनस फटाफट, कितना आ रहा है? खोला जाए थोड़ी सी सलाह, कितना है भाई थोड़ा बताओ? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये है तो अरे होगा खोला जाए चलो चलिए ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अरे यार आज क्या हो गया है, बिल्कुल चल नहीं रहा। द रिक्वायर्ड प्लेन रिक्वायर्ड, हाँ बोलो भाई। सर -3i कैप मेरा तो अलग ही इक्वेशन आया सर। क्या है बताओ? -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन
उस वेक्टर इक्वेशन इज, हमें तो कार्टिशन दिया था ना, तो वेक्टर इक्वेशन निकालना पड़ेगा। वेक्टर इक्वेशन इज क्या, वेक्टर इक्वेशन क्या हो गया, बस आई जे के लगाना है, आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप इक्वल टू 10। तो यहाँ पे एन वन वेक्टर लेते हैं, इसको एन वन कैप एन वन वेक्टर बना लो, देयरफॉर एन वन वेक्टर, इसका डायरेक्शन को एन वन वेक्टर ले गया, हाँ आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस फोर के कैप। तो द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन एन वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, पी क्यू वेक्टर, सॉरी एन वन वेक्टर क्रॉस पी क्यू वेक्टर। चलिए भाई क्रॉस करते हैं, क्रॉस याद है तो आई कैप आई जे के इधर क्या हो गया, वन माइनस टू फोर, माइनस थ्री टू फाइव, इसका क्रॉस करके बताओ कितना आ रहा है एन वेक्टर। कितना एन कैप थोड़ा बताना, सर माइनस 18 आई कैप, माइनस माइनस 18 आई कैप, माइनस 18 आई कैप, माइनस 17 माइनस 17 जे कैप प्लस 8 के कैप, 8 के कैप, 8 वाला चेक करते एक बार अच्छे से, हाँ माइनस फोर के, हाँ हाँ फोर होगा। हाँ टू माइनस माइनस सिक्स, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, यहाँ से सबसे आप माइनस कॉमन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ क्या था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, या फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर तो ऐसे ही रहता है भाई, एन मिल गया हमें माइनस 18 आई कैप माइनस 17 जे कैप माइनस 4 के कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर, कोई सा पॉइंट को ले जाओ ए, जनरली हम पहला पॉइंट को लेते हैं पी पॉइंट को, क्या 2 1 माइनस 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप 2 वन माइनस वन, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट माइनस 18 आई कैप माइनस 17 जे कैप माइनस 4 के कैप। सॉल्व कर लो, आंसर बताओ वेक्टर फॉर्म में। इक्वल्स टू कितना आ रहा देख लो, माइनस 36 आई कैप प्लस माइनस 17 जे कैप प्लस 4 के कैप, अरे आई जे के हट जाता है तब, माइनस 49 आएगा इक्वल्स इक्वल्स टू कितना, हाँ हाँ माइनस 49 इक्वल्स टू माइनस, सर मेरा प्लस 49 आ रहा है, नहीं देखो ठीक से देखो माइनस आना चाहिए, सर प्लस 49 कैसे आएगा, नहीं आएगा 18 टू जो 30 माइनस 40 माइनस माइनस 40, देखो एक बार लिख सर ठीक से देख लो एक बार, हाँ सर माइनस, चलो तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको आप कार्टेशियन में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड लगा देंगे इक्वल टू उधर माइनस 49 कर देंगे, हो जाएगा। कुछ कुछ आया कि नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं आया, थोड़ा चलिए और तो कीजिए, सेम क्वेश्चन है कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन आपका फाइंड द Find the equation of plane when containing a through the points
3 4 2 रटिए नहीं, स्टेप रटिए नहीं, हाँ रटना नहीं आपको, समझना है, क्वेश्चन पूरा घुमा देगा। वाह, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x-5y=15। चलिए ट्राई कीजिए और बताइए। सेकेंड प्लेन के पॉइंट कैसे क्या क्या रहे भाई? 706 भाई, सेकेंड 706 तन में 706। जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मैं कार्टिसन बिल्कुल प्रोसेस बताया नहीं, यहाँ कार्टिसन में पूरा गुंदा हुआ है इसलिए मैं नहीं बताया। बाप रे, अच्छा आर वेक्टर
डॉट माइनस 20 आई कैप माइनस 8 आई कैप प्लस 12 आई कैप इज इक्वल टू माइनस 68 आएगा। नहीं नहीं अरे बोलो भाई, आर वेक्टर डॉट माइनस 20 आई कैप माइनस 8 आई कैप प्लस 12 आई कैप इज इक्वल टू माइनस 68। यस सर वही ना। यस सर क्या दूसरा पॉइंट ले गया, यदि बुक में मैच नहीं कर रहा है तो। सर n वेक्टर में कॉमन ले नहीं सर। क्या बोले भाई? सर माइनस 20 i के माइनस 8 j के प्लस 12 k के में सर कॉमन नहीं लेने से भी होगा ना सर। इसका बुक में आंसर अलग दीजिए। कितना दीजिए? 68 बाय 4 के 5x सर, वहां 4 कॉमन नहीं लिया है सर। 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 17। सर 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। सही है सर, सही है सर। यदि हमारे में हम 4 कॉमन लेके इधर जाके डिवाइड मार देंगे। अच्छा 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 4 कॉमन लेने से वही आएगा तो। यस हां चलिए 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 तब ठीक है, तब ठीक है। तो ये था टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन मतलब कि दो एक प्लेन में हमें एक प्लेन दिया है जिसके में हमें दो पॉइंट दे दिया है और बोला ये प्लेन जो है और एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन हमें दे दिया था r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1। तो हम क्या किए, n1 वेक्टर निकाल लिया अपना और यहाँ पे हमें मिल गया pq वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर के साथ हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हमें पता है हम क्रॉस करते हैं, तो pq वेक्टर क्रॉस n1 वेक्टर कर दिए, pq वेक्टर क्रॉस n1 कर दिए तो हमें क्या मिल गया, n वेक्टर मिल गया, n वेक्टर मिल गया। तो हम उसका रिक्वायर्ड इक्वेशन डाल दिया r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d। ठीक है, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। इस तरह ये टाइप 1 है वह, इस तरह से टाइप टाइप बहुत सारा टाइप है। सेकंड टाइप लिखते हैं, देखते हैं ये और भी कॉम्प्लिकेटेड और भी इजी है, आपको अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट बस, चलिए पहले उससे पहले और एक फॉर्म देखते हैं हम। लिखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्चुअली इसको कन्वर्जन करना हमको जानना पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म से हम कैसे इसको चेंज करते हैं। लेकिन पैरामेट्रिक से पहले आपको और एक चीज याद रखना पड़ेगा, हेडिंग देके स्टार पॉइंट देके लिखिए, अगर जिस पेज में लिखना है उसको मोड़ दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट एंड parallel to two given vectors, vectors or line, क्या है r vector equals to a vector plus lambda b vector plus nu c vector, जिसे हम कहते हैं parametric form, जिसे हम कहते हैं भाई parametric form, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपका एक प्लेन रहता है आपका, सपोज ये प्लेन है जिसमें आपको इस फॉर्म में दे देगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये प्लेन जो होगा एक पॉइंट से पास हो रहा होगा जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लीजिए, और ये प्लेन होगा दो लाइन के साथ पैरेलल जिसका पोजीशन, या दो पॉइंट्स के साथ पैरेलल जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होगा, उसे हम कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। देखिए इसको
और जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स सॉरी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू d जो बनाते हैं इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला गया ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो आपको इस चीज से इसका कन्वर्जन के लिए आता है नहीं आएगा, क्वेश्चन में ही होगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर उसको आगे लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कन्वर्जन देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म? हेलो, यस सर। ओके, तो अभी हम सीखेंगे क्या कि कैसे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म को स्केलर फॉर्म में किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, ये लिख लिए थे तो? यस सर। ओके ओके ओके, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म मतलब r वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या क्या जो बोला, तो यहाँ पे हमको पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्ब्डा ऑफ i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस न्यू ऑफ i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। सॉल्यूशन, वी नो दैट इन पैरामेट्रिक फॉर्म दैट इज r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस न्यू c वेक्टर द प्लेन पासेस थ्रू a पॉइंट थ्रू a वेक्टर या कंटेंस एंड पैरेलल विथ b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो यहां पे आपको a वेक्टर कितना मिल गया, i कैप माइनस j कैप। b वेक्टर कितना मिल गया, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और c वेक्टर मिल गया आपको i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। यहां तक सही है बात? मैं यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये yes, तो आपका प्लेन था, इस प्लेन में आपका एक पॉइंट था और आपको कहीं पे दो लाइन दिया है b वेक्टर और c वेक्टर। हमें क्या चाहिए भाई इक्वेशन प्लेन निकालने के लिए, क्या चाहिए हमें? चाहिए a वेक्टर चाहिए और n वेक्टर चाहिए। जहां पे n वेक्टर तो हमें मिल गया, n वेक्टर कैसे निकाल पाऊंगा, कोई आइडिया दे पाएगा कि n वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? a क्रॉस b वेक्टर मार देंगे शायद। क्या बोले क्या बोले क्या शायद क्या मारेंगे बोलो? a क्रॉस b, a क्रॉस c, क्या a क्रॉस c या फिर और कोई आइडिया? चलिए a क्रॉस b और a क्रॉस c ने मार के b क्रॉस c कटिंग तो भी चलेगा। तो भाई दोनों तो सेम डायरेक्शन में है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों तो अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग पोजीशन वेक्टर है, दोनों का परपेंडिकुलर मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है? b और c का वेक्टर क्रॉस मार दो ना, ठीक है ना? बात समझे ना, हमें परपेंडिकुलर चाहिए भाई, दोनों के साथ परपेंडिकुलर कैसे मिलेगा? दोनों के साथ परपेंडिकुलर चाहिए मतलब क्रॉस करो। तो n वेक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। चलो फटाफट क्रॉस करो, आंसर आने के बाद इसमें पुट करो r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0, इसमें पुट करो, इक्वेशन निकाल के बताओ मुझे जल्दी जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है और आप सब शैतान है, मेरे को पता है।
R vector dot 5 by cap minus 2 j cap minus 3 j cap plus 3 5 6 7 7 और किसका है क्या गलत हुआ क्या पता नहीं भाई मैं अच्छा इसका तो है। इसका n वेक्टर आपको कितना मिल गया चेक कर लो क्रॉस जब किए होगे तो आपको मिल गया होगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप कितना आया होगा उसके बाद इसमें yes. इस इक्वेशन में डालेंगे आप a वेक्टर तो आपको पता है i कैप माइनस j कैप इसमें पुट करने के बाद आपको इक्वेशन मिला होगा r वेक्टर डॉट 5 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप इक्वल टू 7 चलिए अब होता है एक एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम क्वेश्चन है वह सेम क्वेश्चन है पर क्या है ना वो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी प्रॉपर पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं होता नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में हाँ बोलो वो सेवन कहाँ से लाए सेवन ये ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर जब किया होगे तो इसमें पुट किए तो प्रतीक ये हो जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर a वेक्टर डॉट n वेक्टर करो आंसर मिल जाएगा 7 आया कि मैं कर दूं आया आया हाँ अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म तो दिया था आपका हुआ लेकिन नॉन पैरामेट्रिक में क्या होता है सब मिक्स कर देता अलग अलग नहीं करता देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है r वेक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस s माइनस t i कैप प्लस 2 माइनस s j कैप प्लस 3 माइनस 2 s प्लस 2 t k कैप ठीक है ना वही क्वेश्चन सेम है इससे ऊपर वाला लेकिन सबसे पहले इसको आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा पैरामेट्रिक ये नॉन पैरामेट्रिक है वह पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस न्यू सी वेक्टर अब लैम्डा और न्यू तो कांस्टेंट है भाई जरूरी नहीं कि हर जगह लैम्डा और न्यू रहेगा यहाँ पे क्या है लैम्डा और न्यू की जगह पे एस और टी है आपको क्या करना है एस को एक साथ रख लेना है टी को एक साथ रख लेना है जो कांस्टेंट उसका अलग से रखना है सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वन आई कैप प्लस एस आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू सॉरी टू नहीं एस जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस टू एस के कैप प्लस टू टी के कैप ठीक है ना वेरिएबल आपको वेरिएबल दिख रहा है टी और एस चलिए जहां जहां पे एस या टी नहीं है उसको साथ में रखते हैं वन आई कैप इसमें था फिर प्लस टू जे कैप इसमें था फिर प्लस थ्री के कैप ये हो गया एस कहाँ कहाँ पे इसमें है एस आई कैप माइनस एस जे कैप माइनस टू एस के कैप अब जहां जहां पे टी है माइनस टी आई कैप इसमें टी है नहीं प्लस टू टी के कैप तो आपको ए वेक्टर मिल गया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एस कॉमन ले गए आई कैप माइनस जे कैप होगा ना जे कैप माइनस टू के कैप प्लस टी कॉमन ले गए तो माइनस आई कैप प्लस टू के कैप चलिए अब आपको मिल गया ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये सी वेक्टर तो अब ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म से किसमें आ गया पैरामेट्रिक में आ गया सेम सॉल्व कीजिए बताइए सेम सॉल्व कीजिए और इक्वेशन निकाल के बताइए मोइना
Yeah, you got that yummy. Yeah, you got that. Yeah, you got that सर आर बैक पे माइनस माइनस टू आई को माइनस एट इक्वल टू माइनस फाइव चलो ठीक है बाकी सबका आया आंसर कितना है बोलो कितना है तो उल्टा से आंसर है बोल तो सीधा करेंगे n वेक्टर इक्वल्स 5 टू i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 5 कैप खाली k कैप अब आगे तो बोल इक्वल टू 1 रॉन्ग है इक्वल टू माइनस 5 होगा देख लेना बाकी सबका आया तो कि किसी का नहीं आया रे नहीं हो सकता है आ गया ना बढ़िया ये तो बी वेक्टर हो गया ये सी वेक्टर हो गया क्रॉस करो बस क्रॉस सही करना चाहिए क्रॉस सही होगा तो सही होगा आंसर देखो तो बी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करता हूँ ये ऊपर आएगा आई जे ये के वन माइनस टू माइनस वन जीरो टू ठीक है ना तो आई वेक्टर ये हो जाएगा माइनस वन टू माइनस टू माइनस जीरो माइनस जे ऑफ टू नहीं टू प्लस टू कैसे हुआ टू माइनस टू प्लस के ऑफ जीरो माइनस वन हो गया माइनस टू आई कैप माइनस के कैप ये आया था तो बस अब ए वेक्टर ये एन वेक्टर आपको मिल गया ना हमें पता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू जीरो या आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर आर वेक्टर डॉट ये हो जाएगा माइनस टू आई कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू ए ए वेक्टर कितना दिया था भाई वन टू थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट माइनस टू आई माइनस के ये तो ऐसे रह जाएगा आर वेक्टर ए अनिमा तेरा माइक बंद कर कैसा इरिटेटिंग साउंड आ रहा है खाली मेरे को आ रहा है कि और किसी को आ रहा है यार तो आ रहा है तो तब ठीक है माइनस टू आई कैप माइनस के कैप इक्वल्स टू ये हो गया टू इंटू वन इंटू माइनस टू ये हो गया माइनस टू ये हो गया माइनस थ्री हो तो क्या आर वेक्टर माइनस टू आई कैप माइनस के कैप इक्वल टू माइनस फाइव दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर चलिए ठीक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन तब तक आप प्लेन का थोड़ा नंबर प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से क्योंकि इट्स टू मच फन